श्री राधा कुंड जो है वह प्राकृत धाम है। जो मैं बात कहने जा रहा हूं ऋषि मुनियों ने कही, रूप सनातन गोस्वामी ने कही, हमारे गुरुजनों ने कही, लेकिन जब उन्होंने कही उनके कहने पे आपको समझ नहीं आया तो मेरे कहने से कैसे समझ आ जाएगा। हाँ, जब हमने बहुतों से सुना होता है कि पहले ऋषियों ने कहा, तो थोड़ा सा ऐसा लगता कि हाँ भाई उस समय की बात अलग थी, लेकिन वर्तमान काल में भी गिरिराज जी महाराज, राधा कुंड आज के समय में भी एक दिव्य स्वरूप लिए हुए हैं। वह दिव्य स्वरूप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। गिरिराज जी महाराज का जो स्वरूप है वो इतना विशाल है कि जो माउंट एवरेस्ट है उनके चरणों में आता है। क्या बात कर रहे हो महाराज, आप कल्पनाओं की बात कर रहे हैं। कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। ये राधा कुंड इतना सा नहीं है जो चार कोने जो किए हुए, राधा कुंड का एकमात्र यहां पे समझने के लिए ये एकमात्र एक प्रतिभू मूर्ति है, मतलब प्रतीक है, उस प्रतीक के भीतर राधा कुंड है। जैसे आपको कैसे समझाया जाए, कोई जड़ी उदाहरण देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, है ना। संसारिक उदाहरण से समझ में आएगा, है ना। आपकी मानो इतनी बड़ी पूरे घर के बराबर लाइब्रेरी हो किताबों की, वेद पुराण उपनिषद 108 उपनिषद हैं, चारों वेद हैं, पुराण हैं, उपपुराण हैं, शास्त्र हैं और ग्रंथ हैं, जितने हैं सब मतों के यहाँ आपकी इस पूरी लाइब्रेरी में पढ़े, ठीक है। और मैंने आपको एक छोटी सी 1 TB की चिप दी, मेमोरी कार्ड दी, मैं कहा इसमें सारे ग्रंथ हैं। बुजुर्ग कोई मानेगा, माथा खराब है, इतना बड़ा घर हमने इकट्ठा किया किताबों का इतनी सी में, क्या तू कह रहा बात कर रहा, कोई मानेगा बताइए। यही बात है, भगवान का जो धाम है वो इस वक्त हमारे सामने कलयुग के समय डिजिटल फॉर्म में है, एक छोटे से फॉर्म में नजर आता है, लेकिन इसके भीतर ओहो असीमता है, असीमता। कैसे जाना है, कैसे जाएंगे, जाने की इच्छा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हैगी हैगी हैगी, सब बोलेंगे हैं। तो उसका एकमात्र उपाय है जो उनके हैं, जो ठाकुर जी के हैं, उनका जो अनुभव है वो आप में ट्रांसफर हो जाए। वो कैसे होगा, पहले उनके हृदय तक तो पहुंचना होगा, आप अपने मन तक ही ना पहुंचे। दूसरे के मन की बात तो छोड़ ही दो, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर उनका अहम और उसके ऊपर उनका हृदय अंतरात्मा, वहां तक पहुंचना कितना दुष्कर है, कितना मुश्किल है। कहते दुष्कर अति दुष्कर भी है और सरल अति सरल भी है। जो अंतःकरण से सरल हृदय से चाहता है उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। मैं जैव धर्म पाठ कर रहा था तो उसमें आया कि ये जितने केवल जड़ीय बुद्धि से, संसारिक बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, हमारी बुद्धि सीमित है उससे जानने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान की लीला बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, आएगी नहीं। उनको लगेगा जैसे स्त्री पुरुष संसार में प्रेम करते हैं ऐसे राधा कृष्ण का प्रेम, यही आएगा। और इससे खराब भले ही आ जाए, अच्छा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि जो है बड़ी सीमित है और सीमित होने के नाते उनको ये अनुभव नहीं होता। करना क्या पड़ेगा, हरि नाम करते हुए, भजन करते हुए
बार 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 प्रार्थना करनी होगी कि हे हरि नाम, आपकी महिमा अपार है, आप जो हैं कृपा करें तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के आगे रोते रोते प्रार्थना करनी होगी। रोना क्यों जी, रोते रोते क्यों प्रार्थना करनी? क्योंकि आपको अनुभव तो होना चाहिए कि ये संसार अनित्य है, दुखमय है, संसार के अंदर सार कुछ नहीं है, ये अनुभव तो होना चाहिए। जब ये अनुभव होगा तभी तो आप परम रस के लिए, प्राप्ति के लिए चेष्टा करोगे। तो इसलिए राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो लिखा है उसमें एक पद उन्होंने लिखा, ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परान हराऊं। हराने का मतलब प्राणी मेरे गवाच जाए, गुम जाए, खत्म हो जाए, शरीर ही छूट जाए। प्राण का शब्द का अर्थ सांसारिक दृष्टि से देखें तो श्वास होता है, मैं श्वास मेरे चले जाए। ये भाव हम लोगों का उदय हो सकता है, ये कोई दुष्कर नहीं है, परंतु उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए हमें ऐसी साधना करनी होगी, ऐसा भजन करना होगा, भजन प्रणाली अपनानी होगी। आप में से कुछ बिल्कुल ऐसे नए चेहरे हैं कि जो ज़्यादा विशेष सत्संगी नहीं है, उन लोगों के लिए ये बातें एकदम सिर के ऊपर से निकलने वाली। वो कह रहे कि भाई ठीक है, अब और कुछ बोलो, कोई चमत्कार की बात करो तो नमस्कार करें। देखिए सबसे बड़ा चमत्कार ये कि आप अपने आप को समझ जाओ, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं। आप अपने मन को समझ जाओ, मन को पकड़ने लगो, मन को अपने अनुसार चलाने लगो, मन के अनुसार ना चलो, इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं। जिसने मन को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया वो दूसरे के मन को भी पढ़ सकता है, समझे ने? तो इसलिए श्री राधा कुंड के तट पर हम लोग यहाँ बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बहाना मिला इकट्ठे होने का। देखिए इकट्ठे होने के लिए बहाना ढूंढना पड़ रहा है और संसार में लिप्त हैं। ऐसा हो कि संसार में लिप्त होने के लिए बहाना ढूंढें और भगवान में लिप्त रहें, है ना? ऐसा हो तब समझना कि भजन शुरू हो गया, और ऐसे भजन के बाद में तब आपको श्री राधा रानी का नाम का अर्थ पता लगेगा, तब राधा शब्द ना निकल पाएगा मुंह से, रा 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 राई रह जाएगा। महाराज इतने महात्मा लोग जो कर रहे हैं उनको तो कछु असर ना हुआ, वो तो राधा 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 कर रहे। वो स्थिति में आप लोगों के साथ उठ करके राधा 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 कर रहे, लेकिन अपनी स्थिति में उनकी देखोगे तो हालत क्या है उनकी। श्रील गुरु महाराज जी ने यू कैन कैसे भी कर सकते हो, घबराओ नहीं, अभी समय लगेगा। श्रील गुरु महाराज जी और आजकल श्री राधा गोविंद महाराज जी का स्थिति ऐसी है, हमारे इस्कॉन में परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी इस वक्त उनकी स्थिति भी ऐसी है। गुरु महाराज जी 2010 में एक ऐसी स्थिति में चले गए कि वो संसार में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे विरह में तड़पती हुई कोई आत्मा प्रभु को पाने की इच्छुक हो तो क्या करती है, वो सारी संसार की जितनी भी खाना पीना सोना जगना इसके प्रति उदासीन हो जाती है। होता है ना, पता नहीं होगा आपको, कैसे पता होगा, कभी किसी के लिए तड़पे हो तो ना। आप कल्पना करो आप जिससे प्रेम करते हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आपका बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, पत्नी है, पति है, इसके इतर कोई भी आपका कैसा भी संबंध है, कल्पना करो एक बार आपको खबर मिले कि वो किडनैप हो गया,
जहाँ मिल नहीं रहा, गुम गया है, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? उस वक्त क्या आप मजे से खा सकते हो? क्या भूख लगेगी? हाँ जी लगेगी। अच्छा, इस संसार में और परमार्थ में अंतर में बतला रहा हूं। मान लो आपको मालूम पड़ जाए कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको एम्बुलेंस वाले लेके गए, क्या हालत होगी तब? और आप उस स्पॉट पे पहुंच गए जहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ और लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और बड़े घबराए हुए हैं, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि भाई साहब बचेगा तो नहीं, उसका सिर तो फट गया, कि वहां के लोग तो उनका स्नेह नहीं है ना, और आपकी क्या हालत हुई होगी? सोच लो, कल्पना करके देखिए, इस सीन को अपने जहन में उतारिए, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और आप पता करके कि उस हॉस्पिटल में लेके गए, आप कैसे भी उस हॉस्पिटल तक पहुंचे, पहुंचते हुए अंदर से डॉक्टर सिर हिलाता हुआ आ रहा है, बचा नहीं, डॉक्टर आप चिल्ला रहे हो, कहते भैया क्या हो गया? मेरा बेटा। अरे कौन सा? अभी एक्सीडेंट हुआ था। भैया मैं तो पुराने बुड्ढे की बात कर रहा हूँ, वो नहीं रहा, तुम्हारा बेटा इमरजेंसी में, देखो। अब आप इमरजेंसी की तरफ दौड़े, वहाँ डॉक्टर अंदर बाहर आ रहे हैं। कल्पना करके देखिए, अपने साथ ये बिता करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि उस वक्त आप अपने बेटे का नाम भी उच्चारण नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? बोलो अरविंद, अरविंद, उसका नाम अरविंद, ऐसे मुंह से निकलेगा, है कि नहीं? भगवान से प्रेम जो होता है इस प्रकार का हो, इससे भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनंत गुना ज्यादा प्रेम भगवान के साथ होता है, आत्मा का एक बार मिलन हो जाए तो। गुरु महाराज जी ने इतने दिन इस संसार में बिताए और गुरु जी से जितने छोटे भाई या बड़े भाई थे, जो भी उनके परिवार में थे, वो 70-75 के बाद सब चले गए। तो गुरु जी ने कहा कि भाई अब तो हम भी जा रहे, उनके वंश में इसी तरीके से गए। उसलिए गुरु महाराज जी का एक दिव्य भाव आ गया कि अब मैं ठाकुर जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। उस दिव्य भाव में गुरु जी अपने गुरु जी का नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहे। गुरु महाराज जी को हरिनाम दीक्षा देनी थी, सिर्फ हरिनाम दीक्षा देना बंद कर दिया, जो दीक्षा मंत्र होते हैं उनको बोलना बंद कर दिया, हरिनाम देना था। तो हरिनाम देने के लिए बैठे हैं, पंचतत्व बोलना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसको बोलना है। बोलते हुए गुरु जी का ऐसा दिव्य भाव हुआ, वो श्री कृष्ण चैतन्य तो बोल लिया, आगे प्रभु नित्यानंद नहीं बोल पा रहे, इसी को बोली जा रही, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, उसी में डूब गए। प्रभु नित्यानंद नहीं बोल पा रहे, तो सेवक जो साथ में, प्रभु नित्यानंद, प्रभु प्रभु नित्यानंद, मतलब इतना विरह भी होता है। महाप्रभु का जो भाव है, गोपियों का जो भाव है, वो भगवत कृपा से, मैं गुरुजी कोई एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं, वो दिख रहा है, वो छुपा रहे हैं, लेकिन वो छुप नहीं रहा है, दिख रहा है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, वो ऐसी होती है कि उसकी सुगंध इतनी होती है कि उसको समझ नहीं आती, लेकिन ठीक जिधर से निकलती है उधर के जो जीव है वो समझ जाते कि इधर से वो कृष्ण मृग गया है। इसी प्रकार से जो एक दिव्य अवस्था है, वो दिव्य अवस्था हमको प्राप्त कैसे होगी, इसकी लालसा तो होनी चाहिए। वो लालसा कैसे होगी? संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के कितने कोरोना में लोग चले गए, आपको कहीं रोना आया? अपना कोई संबंधी बीमार हुआ तो क्या हालत हो गई? अंदर से रो रहे हैं, उसे दूर कर रहे हैं तो दूर रहे, कि हम ना मर जाए। संसार का प्रेम ऐसा ही है, लेकिन भगवत प्रेम ऐसा नहीं। भगवान को जिन्होंने प्रेम किया, उनका दिव्य भाव है।
विचार करके देखिए, इस संसार की प्रीति कितनी सीमित है। शादी हो गई, फिर तो ध्यान से सुन, संसार की प्रीति कितनी सीमित है। प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए, अपने आप को उस जगह पर रखिए जिस जगह पर मैं ले जाना चाह रहा हूं। कितनी सीमित है? आप जिनसे प्रेम कर रहे हो, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे कोई आपका बच्चा है, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी रिलेशन, जिससे प्रेम कर रहे हो, और इतना प्रेम कि उसके लिए जान निछावर कर दो। होता है ना ऐसा, कोई ना कोई तो ऐसा दिल जानी होता है जिसके लिए आप जो है जान निछावर करते हो, वो मर जाए, जो हालत आपकी होनी हो जाए, जला जुलू करके आ जाए, दो दिन तो खाया नहीं, तीसरे दिन बेहोश होकर गिर जाए, ऐसी स्थिति हो, कल्पना कीजिए। ऐसा जो एक्सट्रीम केस होते हैं वह ऐसे होते हैं, खाया नहीं दो तीन दिन से, ना मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, उसने हाथ पैर भी काटे हों, ऐसी स्थिति वाला हो कोई व्यक्ति, सोचिए, कल्पना कीजिए। उस स्थिति के बाद में जिससे वो प्रेम कर रहा था वो रात को आ जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरे को अपने साथ रखने, मान लो, अच्छा बताओ फिर उस वक्त तुम क्या करोगे? आ जा करोगे? सारा प्रेम भूत हो गया। विचार करके देखो, इस जगत का प्रेम केवल नाम का प्रेम है। अच्छा कल्पना करो, सेम सिचुएशन, एक से आपने प्रेम किया भी नहीं इतना, लेकिन वो भगवान के अतिशय प्रिय, वो भक्त आपके सपने में आ जाए, जहां आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप डरोगे? अरे गुरुजी, आपके अंदर डर आएगा? आपके दादाजी आ जाए, अरे बाप तू काहे को आ गया? विचार कर रही है, इस संसार में भय इसीलिए है क्योंकि सब मृत्यु की गाल में जा रहे हैं, मृत्यु से चबा रही है, और उस जगत में जो जा रहे हैं भगवान की गोद में जा रहे हैं, इसलिए भगवान के जो पास जा रहे हैं, भगवान की जो गोद में जा रहे हैं, उनकी दिव्यता ही अलग है, उनकी तो स्मृति मात्र ही आपको पवित्र कर देती है। तो इसलिए उस स्थिति तक पहुंचना है या नहीं? हाँ, पहुंचना। तो क्या करना पड़ेगा? साधन भजन कैसा करना पड़ेगा? जितना आज तक संसार के लिए समय दिया उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा, जितना संसार के संबंधों के लिए आपने समय दिया, कितना समय दिया? दिन में आप ठाकुर जी के सामने, कई लोग तो ऐसे बैठे हैं शक्ल से पता लग जाता कि ठाकुर जी को, हाँ मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पैकिंग कर दे। अरे भगवान जी बढ़िया करियो भाई, जा रहा हूँ, तो प्रणाम किया। इससे थोड़े ज़्यादा जो भगत हैं, जो कहते हैं हम भक्ति करते हैं, वो धूप दिखाएंगे, हाँ काके आ रहा हूँ बेटा, रुक जाए यार, आरती कर लेंगे, आरती कर दी, प्रणाम कर दिया, और इससे जो ज्यादा है थोड़े से वो भोग लगा देंगे, हो गया। इसके बाद सारा दिन ऑफिस में कोई भगवान की चर्चा नहीं, कोई भगवान का लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जी आप तो वैरागियों वाली बात कर रहे हो। नहीं, वैरागियों वाली बात नहीं कर रहा हूं। गृहस्थ के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे दिव्यात्माएं आज भी वर्तमान में हैं, जिंदा शरीर के सशरीर हैं, जिनको भगवान की दिव्य अनुभूतियां हैं, काल्पनिक नहीं है, कल्पना में। तो अभी आप यहां पे देख लो ठाकुर जी को, कल्पना में क्या, मैं जो वहां चैतन्य महाप्रभु हूं, ऐसा कल्पना कर लो, वो गधे को भी जो है वो राजा मान लेगा, कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात अनुभव करने वाले आज भी गृहस्थ में लोग हैं। उनका जीवन पढ़ो, उनका जीवन जियो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है।
उनका जीवन कैसा है, उस पर चलना है। देख लो राधा कुंड में बोल रहे हो, करना पड़ेगा। अच्छी बात है, उनका जीवन है ठाकुर जी को केंद्र करके रहना। जैसे ये ठाकुर जी विराजमान हैं, इनको केंद्र करके ही सारी क्रियाएं करना। आए ठाकुर जी से मिलना, जाना ठाकुर जी से आज्ञा लेके जाना, जाते हुए देखना कोई चीज दिखाई दी ठाकुर जी के लिए एकत्रित करके लेके आना, कोई नया फल आया ठाकुर जी के लिए लेके आना, मेरे बेटे सोहम को बड़ा अच्छा लगता है ये, उसके लिए ले जाऊं ना। ठाकुर जी को अच्छा लगता, ठाकुर जी की मतलब सब समय दिमाग में भगवान विराजमान, भगवान के चिंतन विराजमान हो जाए। जैसे आप अपने प्रेमी से छुप छुप करके कार्य करते हो, मिलते हो, चाहे वो उजग्गर ही उसके लिए सारा जीवन दे रखा है, ऐसे श्याम सुंदर के लिए, ठाकुर जी के लिए चिंतन स्मरण भजन सारी क्रियाएं उनके लिए केंद्रित होके जिस दिन होने लगेंगी, तब जाके भजन होगा, तब जाके अनुभव होगा, तब जाके पता लगेगा कि आपके दादाजी भी अगर आ जाएं वापस आपसे, जिसका जो जिसकी मृत्यु हुई है वो भी अगर वापस आ जाए तो आपके हाँ बोलो बैठो आ जाओ, तब आप भय नहीं करोगे। तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहीं भटक गए हो तो रोते रोते अगर वो बोलेगा भी ना तो आप गोकर्ण की तरह सुनते हुए उस धुंधकारी जो व्यक्ति की आत्मा जो भी गई है, जो भूत प्रेत बनी है, उससे आप प्रेम से वार्तालाप करोगे, तनिक भी भय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा से मिलने वाले हो, परमात्मा के साथ में जुड़ने वाले हो, अभी मिले नहीं जुड़ने वाले हो, तब भी इतना सामर्थ्य आ जाता है। हमारी गली में ही एक परिवार है, उनके एक बेटे के पत्नी का बड़ा उत्पात चल रहा था, बहुत ज्यादा, और उनके जो पिताजी, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज कछु करो। मैंने कहा भाई हम तो ये भूत प्रेत भगावे वाले लोग ना है, ना है गुरु, तुम ऐसो मत करो, और उनसे मेरा प्रेम भी है। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, जाओ ठाकुर जी का चरणामृत ला। अरे गुरु बहुत चरणामृत पिलाए दिए हमने। मैंने कहा जाओ चरणामृत लेके आओ और उसको इतना बोल देना कि मधुसूदन बाबा ने कही दोबारा मत आइयो, बस इतना कह दियो और पिला दियो। कह दिया पिला दिया, ठीक हो गया, बात बच्चे बच्चे सब कुछ हो गए। कहने का मतलब मेरा, केवल जो भगवान से जुड़ गया है ना, अब तुम लोग मत आ जाना भूत प्रेतों को लेकर के। उसके बाद से मैंने अपने आप को बिल्कुल वो कर लिया, कवर कर लिया, अंडर कवर हूँ मैं, ठाकुर जी का एजेंट हूँ लेकिन अंडर कवर एजेंट हूँ। जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं उनको ही इन रहस्यों की बात बतलाता हूँ कि आप समझ लीजिए, इतना समय निकाल के आप राधा कुंड में आए, साधारण व्यक्ति आपको नहीं कहा जा सकता कि आप साधारण आदमी आप आ गए। श्री राधा रानी की कृपा हुई है आप आ गए, अब दुर्भाग्य होगा कि आप उस कृपा को ना अनुभव कर पाओ। जैसे एक बच्चे के हाथ में 2000 का नोट पकड़ा दो, उसको मालूम नहीं, उसको ये मालूम है रुपए हैं। अरे आजकल तो बच्चे भैया गोद में ही जो नोट ना छोड़े। कल एक बच्ची मिली, वो उसको 500 रुपए पकड़ाए, तो मैंने कहा, उसके पिता ने पकड़ाया देने के लिए, मैं दे दे, बच्ची थी ना, बच्चा था बैकुंठ, दे दे ना दे। वो बाप बोला महाराज जी ना छोड़े वो पैसा, तो इससे छीनना पड़ेगा आपको। मैंने कहा हम भी भगवान मधुसूदन महाराज हैं, हम भी लेंगे छीनेंगे ना है। मैं दे दे, उसको क्या मालूम क्या है, कहते और खिलौना खुलौना पकड़ो आप, आपको दे भी देगा, ये नोट नहीं छोड़ता है। अब क्या संस्कार ले गया है बताओ। थोड़ी देर मैंने उसको किया, उसने छोड़ दिया, मैंने कहा ले अब ले ले, फिर नहीं लिया उसने। एक कॉन्शियसनेस को जगाना, उससे बात करना, ध्यान देना, पहले वो बालक के रूप में ही था लेकिन उसकी आत्मा के साथ संपर्क करके उसको उससे वार्तालाप करते हुए लेना, और उसके बाद मैंने उसको ले ले, तब ना ले रहा। मैं कहा देख लिया, कहता ये पहली बार देख रहा हूँ महाराज जी। तो कहने का अभिप्राय, विषय पे वापस आइए, कि जब हम वस्तु का मूल्य समझते हैं
तब हमें मालूम पड़ता है कि ये कितनी उपयोगी कितनी जरूरी है। हमने भगवान का मूल्य, जब भगवान के नाम का मूल्य, जब उनसे जो संबंध है उसका मूल्य नहीं समझा है, इसलिए हमको छोटी मोटी चीज़ें वो विचलित कर देती है। छोटे मोटे भय हमें विचलित कर देते हैं, छोटे मोटे प्रलोभन हमें विचलित कर देते हैं। एक बार आगे अगर किसी को सोचिए, एक बार अगर किसी को इस पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दिया जाए, उसको कोई चीज मांगने की भिक्षा करने की जरूरत है? राजा सब उसका ही, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण जो हैं, उनका जो सेवक बन गया, वो एक ब्रह्मांड की बात करते हो, एक पृथ्वी की बात करते हो, वो कितने लोकों में पूजित होता है। कहते महाराज आप हमारे यहाँ उन्हें एक चरण डाल दो। ना भैया हम जा रहे हैं, गोलोक जा रहे हैं। अरे भैया ने एक मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, उनका एक मिनट तो यहाँ सालों साल बीत जाए। ऐसा होता है नारद जी के साथ, ऐसा नित्य हो रहा है। ऐसा सनक सनातन संत कुमार के साथ नित्य हो रहा है। ऐसा रूप सनातन गोस्वामी के साथ नित्य हो रहा है। ये अन्य अन्य लोकों के जो लोग देव लोक हैं, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करके इस धरती को भी, हमारी इस स्थान को पवित्र कीजिए। एक तरफ आप हैं जहां पर हम अपने दादा परदादाओं को भय पर करते हैं, एक तरफ वो हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उससे वह भगवान के प्रिय तो हुए ही, समस्त ब्रह्मांडों के प्रिय हो गए। मगर वो किसी ब्रह्मांड में लिप्त नहीं, किसी से लिप्त नहीं। ठाकुर जी से प्रेम तो सबसे ही प्रेम है अपने आप में, जड़ में पानी तो सबको जल मिल गया। तो इस प्रकार से हमें ये समझना होगा कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी। आज आप आए हुए हैं, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, कितने ही सौभाग्यशाली हैं। और इस सौभाग्य को आप अगर ऐसे ही राधा रानी के आगे संतों के दर्शन हुए, अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब जब बिगड़ा काम है ना बन जाना, अगर इसमें चले गए ना तो आप सोच लीजिए आपने बहुत बड़ा धोखा खा लिया। काम करवाने के लिए या उसको करने के लिए अलग टाइम पे आओ, उसके लिए अलग लाइन लगाओ, ठीक है? ये तो प्रेम की बात है। यहाँ तो ठाकुर का संबंध मिल जाए, उसके लिए आपका प्रयास होना चाहिए। आगे आ जाइए आप। हाँ थोड़ा उनको तकलीफ हो रही है देखने में ना, इधर बस थोड़ा सा और इधर। तो इस मौके को आप कुछ मत, इसका एक रत्ती भर भी आपके अंदर ये विचार ना आए कि हे प्रभु कुछ संसारिक कोई भी फायदा, मुक्ति मोक्ष मिल जाए, कुछ भी कोई भी फायदा ना इसका ले। बस एक ही प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, आपके चरणों की धूल अगर मिल जाए, मेरा ये जीवन संवर जाए। बस वो कण ढूंढ रहा हूं मैं, वो क्षण कब आएगा जब आपके कण के साथ में मिल जाऊंगा। ऐसा दिव्य भाव लेकर के जाएं और अपने जीवन को कोशिश करें कि जैसे भजन के लिए आप टाइम निकालते हो ना, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसा विषय संसार के लिए समय निकालो। बाकी सारा समय ठाकुर जी के चिंतन में। कैसे चिंतन में? काम कर रहे हो तो भगवान ने नौकरी दी है, इसलिए नौकरी ढंग से करनी है। भगवान ने बिजनेस दिया, इसलिए बिजनेस ढंग से करना। लेकिन मैं नौकर हूं उनका, बात समझ रहे? ये दिव्य भाव एक तो है, हाँ 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 ठीक है, एक है आ जाना। ये दिव्य भाव का मैंने कई ऐसे ग्रस्त भक्तों को देखा, उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो ठाकुर जी का उनका एक वो है, ड्रॉअर है, उसमें ला के रख देते। और डेली जब उनको जो भी डेली रूटीन में खर्चा करना है, जहाँ कुछ बैंक में डालना है, तो राधा अगले दिन राधा रानी वो उसमें से कुछ बैंक में डाल दूँ, वो सोचा था कि इतना डालना है और आपके वो बच्चों के लिए वो फिक्स किया हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें और ऐड करना। प्रार्थना कीर्तन करके प्रार्थना करके फिर कीर्तन करके फिर उसको उठाते जाके डालाते। और डेली रूटीन में जो भी लेना है
जैसे घर में माता पिता से मांगते हैं रूटीन खर्चे में, ऐसे ठाकुर जी से मांग के ले जाते हैं। आज देख रहा फल तो महंगे लग रहे हैं, थोड़े से मैं ज़्यादा ले जा रहा हूँ। मतलब ऐसा दिव्य भाव मैंने देखा है उन लोगों का, एक अलग ही ये होता। देखिए संबंध बनाने से बनता है, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका पति आपके साथ है, लेकिन संबंध नहीं है। सोने से भी संबंध नहीं है। संबंध कैसे बनता है? संबंध होता है आदान प्रदान से। आदान प्रदान क्या? हृदय के भावों का, समझे नहीं? तो हृदय के भाव, जब एक कन्या आती है आकर के अपने हृदय के भाव पति के घर में, पति के पिता, पति की माता, पति के भाई बंधुओं के साथ में, जब वो अपने आप में घुल मिल जाती है तो वही उस घर की मूल शाखा बन जाती, मूल जड़ बन जाती। आपके दादा दादी माता पिता देखिए घर की एकदम मूल हैं, जड़ हैं, है कि नहीं? तो वो आकर के उसने समर्पण किया, किसका? अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी क्रियाओं का। वह समर्पण ठीक वैसा ही भगवान के साथ करना होगा। नहीं करेंगे तब तो ठीक है, जैसे चल रहे हो और चलते रहो, फिर आते रहो, फिर जाते रहो, फिर पता नहीं कौन सी जूनी में जाना आना पड़ेगा, उसकी तो कोई गारंटी है नहीं कि मैंने ये इस बार तो ये मिल गई थी कौए की, अगली बार कछुए की मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सी भी जूनी मिलनी पड़ेगी, कर्म हमारे इतने भयंकर किए हुए हैं कि इधर उधर जाना पड़े। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि श्री राधा कुंड में बैठे हैं, समय भी हो रहा है और कुछ संकीर्तन भी करने की इच्छा है। आप में से किसी का कोई जिज्ञासा या प्रश्न या कोई ऐसा कि जिससे कि आपको जो मैंने बातें कही हैं उन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात, जहाँ ऐसा लग रहा हो कि इसको और अच्छे ढंग से समझना है, तो पूछ सकता है। उसको पता ही नहीं है कहाँ बैठा हुआ, सेट कर उसका इफेक्ट बेटा। थोड़ी रिपीट बढ़ा दे बेटा, तू रिपीट बढ़ा दे, रिपीट बढ़ा दे उसको, यहाँ से नहीं उधर 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 स्पीड स्पीड होती ना रिपीट, दोनों तीनों को नहीं करते। कहाँ गया तेरा वो? रिपीट बढ़ा दे। आवाज खोल। हरे कृष्ण।
करें अंतकरण से यहां से आवाज निकले
भटक रहा था। जन्म 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 से भटकता हुआ आज आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर उन भक्तों की लाज रखिए जो मेरे को लेकर के आए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं योग्य नहीं आपके, लेकिन जो आपके प्यारे हैं ना, जो आपके दुलारे हैं, वो मुझे ले आए ये बता करके कि आप बड़े दयालु हैं। आप अति अल्प साधन से ही प्रसन्न हो जाते हो, इसलिए हे नाथ मेरी नहीं कछु विरद राखी हो। जिन्होंने आपको अपने प्राणों से भी प्यारा और प्यारी के रूप में स्वीकार किया है हे नाथ, उनकी विरद रखिए, उनकी लाज रखिए। जिन प्राणन ते श्री श्री राधा।
तेरा
बनाया। हाय हाय मैंने फिर क्यों जन्म गवाया। क्या दुर्भाग्य है आपकी प्रिय दासी श्री जुगल वल्लभी ने कृपा करके ब्रज में बैठा दिया। अहेतु की करुणा की प्रार्थना तो थी हृदय से मेरी, लेकिन ना जाने कौन से ऐसे कर्म हैं श्री राधा रानी कि कुंज के बाहर कुंड से बाहर बाहर ही हूँ। हे गिरिराज, आपके वह कुंज जिसमें ठाकुर जी दिव्य लीलाएं करते हैं उन कुंजों से बाहर ही रह गया। कृपा करो गिरिराज, कृपा करो श्री राधा जी। जन्म जन्म बहु पाप किए मैंने, जन्म जन्म बहु पाप किए मैंने, जाते जाते हाय मैं रह गयो भारी, जाते हरी जी।
Hare Hare
वो हो गया क्या? कुछ और सेवा है क्या अभी? होगी ना। अरे जो चल रहा है वो चलने दो ना। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
संग संग सारे हरे हरे राम हरे हरे संग संग सारे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आरती होने लगी, सब लोग खड़े हो जाए।